Assalamualaikum. You're watching Table Talk with Sidra Mir. Sarkare do jahan mehboob-e khuda ki zaat-e aqdas aur unki shaan ke upar lakhon karodon durood o salam. Jashn-e viladat ke hawale se mulk bhar mein taiyariyan bhi ki ja rahi hain aur jashn bhi manaya ja raha hai. Kyun na manaya jaye? Hamare aqa-e do jahan ki tashreef lane ka yeh din hai aur unki zaat par lakhon karodon durood o salam pesh karte hain. Nazreen, mulk ki majmui surat-e-haal kuch is tarah se hai ki Islamabad mein Faizabad interchange par jo dharna diya gaya uske baad aaj सुप्रीम कोर्ट में इसकी आज खुद नोटिस केस की समाप्त हुई और पुलिस आईएसआई और आईबी से जवाब तलब किया गया है. रिपोर्ट्स उन्होंने जमा कराई हैं और रिपोर्ट्स के अंदर जस्टिस काजी फायजीसा के बहुत सख्त रिमार्क्स रहे हैं. उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया है. उन्होंने ये कहा है कि बताया जाए कि मुल्क के अंदर एजेंसियां क्या कर रही हैं, पुलिस के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान क्यों था, ये मिसकोऑर्डिनेशन क्यों हुआ. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जवाब मांगा कि धरने के दौरान कितनी हलाकतें हुई हैं. उनको जवाब मिला कि हलाकतें तो नहीं हुई, अलबत्ता 173 पुलिस अहलकार जख्मी जरूर हुए हैं. मजमूई तौर पर नुकसान के बारे में भी पूछा गया तो ये जवाब मिला कि 146 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ है और इस नुकसान के बारे में पंजाब हुकूमत मजीद मालूम दे सकती है, वो जवाब दे सकती है. इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे बढ़कर हम बात करेंगे. पीपल्स पार्टी आज अपना 50वां यौम तासीस मना रही है और 2018 के हवाले से पाकिस्तान की सियासी जमातें सोच क्या रही हैं, तैयारियां क्या हैं, अर्ली इलेक्शन होंगे या फिर बरवक्त इलेक्शन होंगे या फिर ये जो फुकदान है पाकिस्तान के अंदर, एक बहरान की सिचुएशन खड़ी हो गई है, ये इलेक्शंस को मुतासिर करेगी. आज प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एंकर पर्सन मंसूर अली खान, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं. मंसूर, आपका शुक्रिया. आरिफ चौधरी साहब, सदर हाईकोर्ट बार, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में. आपका भी बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब. लाहौर में हमारे साथ हैं जरताज गुल वजीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है. जरताज, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं. नवीद चौधरी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से. नवीद चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी इस्लामाबाद स्टूडियो से. मंसूर, ये फैजाबाद इंटरचेंज के ऊपर जो धरना हुआ, अब भले खुलकर बातें सामने आ रही हैं, तीन धड़ों में ये जमात तकसीम हुई है, लेकिन मुआहिदा तो तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह से हुआ. तमाम शर्तें धरने वालों ने अपनी मनवाई, हुकूमत ने कोई शर्त नहीं अपनी मनवाई. अब ये जो मिसकोऑर्डिनेशन की बातें हैं, जस्टिस काजीजा फायस ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि एजेंसियां क्या काम कर रही थी, क्या अब लगता है कि किसकी कितनी गफलत थी, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, खुलकर आने वाले वक्तों में सामने आएगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने तो पैनमा का जो केस हुआ था उसके बाद से एक लफ्ज उन्होंने सीख लिया है, और ये मैं आपको अभी से बता दूं कि 2018 की जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसमें भी ये लफ्ज आपको बार बार सुनाई दिया जाएगा. आप उनसे जब पूछेंगे जनाब आपका ये काम नहीं हुआ, इकोनॉमी जो है वो नीचे गिर रही है, वो कहेंगे साजिश हो गई. आप उनसे कहेंगे जनाब पानी हमें साफ नहीं मिल रहा, वो कहेंगे साजिश हो गई. पैनमा का केस, उन्होंने कहा साजिश हो गई. आप उनसे जो बात करेंगे वो कहेंगे साजिश हो गई. अब ये जो धरना है इसके हवाले से भी इन्होंने पहले यही कहा कि जनाब साजिश हो गई. अच्छा, जब आप उनसे पूछेंगे जनाब वो आपने पुलिस भेजी थी और वो उसने जाके काबू क्यों नहीं किया एहतजाज करने वालों पे, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि जनाब साजिश हो गई. अब ये साजिश का लफ्ज जो है ये आपको गोली की तरह आपको दिया जाएगा, आप इसको इसी तरह खाते रहेंगे, इसको चबाते रहेंगे, और आप कहेंगे और मुस्लिम लीग नून यही कहेगी कि जनाब हम तो बड़े मासूम हैं, हमने तो हर मुमकिन कोशिश कर ली. जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये ना अहल तरीन लोग हैं जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं. यही पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर एक फ्रंट लाइन स्टेट है, जहां पे सिक्योरिटी के इदारों के हवाले से हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो पीक परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, उसके इंटीरियर मिनिस्टर का ये कहना है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि ऑपरेशन शुरू कब हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ये फैसला कर लिया, इस इंटीरियर मिनिस्टर को एहतसाब अदालत के अंदर नहीं जाने दिया जाता. आपने बिल्कुल ठीक की. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा मुआहिदा होने के बाद बाकायदा उनके दस्तखत उसके ऊपर मौजूद हैं. उन्होंने ये कहा कि मुझे इस मुआहिदे के ऊपर अफसोस है. आरिफ चौधरी साहब, पुलिस ने भी आज अपनी रिपोर्ट जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट में. कितनी अफसोसनाक बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर पुलिस की जानिब से यह कहा गया है कि हम थक चुके थे, 20 दिन से हमारी ड्यूटियां उसी जगह पर तैनात की गई थी और हमारे पास बकायदा हथियार नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे और हम वहां पर थक चुके थे. कितनी अफसोसनाक ये बात है. बात यह है कि वो कहते हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से. अगर तो ये कोई ऐसा काम होता जो किसी और दुश्मन ने किया होता तो फिर तो हम यही बात कहते कि देखें जनाब, जिस तरह मंसूर साहब ने फरमाया कि वो लफ्ज उनके लिए एक ही है, साजिश हो गई. अब साजिश करने वाले भी खुद हैं. उनका अपना दामाद जो है नवाज शरीफ साहब का, वो ये कहता है कि ये तो महफिल मिलाद थी और महफिल मिलाद का इनेकाद करने वाला कौन है, महफिल मिलाद को सजाया
और रंग भरा उसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, जो नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई और चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उसके बाद उस महफिल मिलाद को जितनी भी आप हवा दे सकते थे आपने दी, जो आप चाहते थे वो इत्तेफाक से नहीं हो सका। और वो आप ये चाहते थे कि जो आपने पहले दिन से एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है वो आपके खिलाफ साजिश कर रही है, बाकी करप्शन के चार्जेस जो है उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो उस बारे में अगर वो यानी धरना जो था वो उस अंदाज में उसमें पुलिस का जो अमल दिखाया गया उससे ज्यादा आप देखें क्या बदकिस्मती हो सकती है कि पुलिस किस तरह उन्हें हैंडल कर रही थी। थके हुए थे तो जो जिन्होंने फैसला करना था उनके अंदर ये अकल होनी चाहिए थी, फहम होना चाहिए था कि ये एक्शन किस तरह लेना है और कब लेना है। कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं और बिल आखिर मामला यहां तक पहुंचा कि आपने उसे मिस हैंडल करने के बाद फिर एक ऐसा लेटर, ये आपने देखा होगा शायद सब लोगों को, आपने स्क्रीन पे भी दिखाया होगा, मैं हैरान हूं कि आप फौज को तलब कर रहे हैं और लेटर आप ऐसा जारी कर रहे हैं जो 2013 की उसमें आपने ऊपर डेडलाइन है और यानी लिखा हुआ यह है कि जी एक ईसीओ यानी जब वो कोई हो रही थी कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो उसका आपने जिक्र इसमें किया हुआ है। बिल्कुल आरिफ चौधरी साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में ये सारी चीजें दिखाई भी, खत्मे नबूवत के बिल का मामला हो, हुकूमत से क्लैरिकल मिस्टेक हुई, अब ये जो आप पेपर दिखा रहे हैं उसके ऊपर भी बाद में यही मौका आएगा कि क्लैरिकल मिस्टेक हुई है। जरताज, जो धरना इस्लामाबाद से शुरू हुआ लाहौर में अभी आके अभी तक खत्म नहीं हुआ, राणा सनाउल्लाह साहब के इस्तीफे से मशरूत हो चुका है ये धरना, मिस हैंडल हुआ ये मामला, अब रिपोर्ट्स भी खुलकर आ रही हैं सामने और अभी तक मिस हैंडल और मिस कोऑर्डिनेशन की बातें की जा रही हैं, वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी कबूल क्यों नहीं कर रही, चाहे वो मालियाती नुकसान है उसका तखमीना लगाया जाए या जितनी भी जाने इसमें गई हैं, अभी तक तो ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि कितने लोग जांबहक हुए हैं, कितने लोग शहीद हो गए इसमें। थैंक यू सिदरा, बात यह है कि तकरीबन एक डेढ़ साल के बाद जब इस हुकूमत को अपनी कारकर्दगी दिखाने का या जो वो शोर मचाते थे कि हम बड़े जी गुड गवर्नेंस है हमारी और हम बड़े जी अहल लोग हैं, लोगों को हमारी किताब के सफ़े पढ़ने नहीं आते, वरना हमारी किताब के तो सारे सफ़े पूरे हैं, या हम लोहे के चने हैं तो हमें चबाओगे तो दांत टूट जाएंगे, तो उसके बाद इनको एक मौका मिला कि ये अपनी कारकर्दगी शो करते थे, वो इनके ऊपर ये जो धरना आया फैजाबाद का, इस फैजाबाद के धरने ने जब ये ख़त्म हुआ और आधा अभी तक लाहौर में जा रही है, इसने साबित कर दिया कि ये टोटल जो है ये नाअहल हुकूमत है और ये सिवाय नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान की करप्शन बचाने के अलावा इनको और कोई काम नहीं आ सकता। जब इनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ी, जहाँ तक आप वज़ीर दाखिला की बात करें, यह टोटल उनके अंडर आता है, उन्होंने कहा कि चार लोग जो है वो चौधरी निसार के घर के आगे जो है वो शहीद हुए। चौधरी निसार ने कहा कि ये आप कैसी बातें करें, आप कभी कोर्ट के ऊपर आप डालते हैं ये बात और कभी आप कहते हैं कि जी मैं फैजाबाद का इंटीरियर मिनिस्टर नहीं हूं, मैं कर दिया इस बात को। एग्जैक्टली, अब मसला ये है कि जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, नाअहल ये बिल्कुल है, साजिश का ये बार बार जिक्र करते हैं, जिस साजिश में अब समझ नहीं आता कि इसका मतलब है क्या पंजाब गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ साहब खुद इस साजिश में जो है वो थे शामिल थे, क्योंकि उन्होंने यहां से भेजा ना, जब ये यहां से गए, देखिए मैं डीजी खान से ताल्लुक रखती हूं, उसको आप मेरसी को, डीजी खान को या राजनपुर को तो आप कह सकते हैं कि ये छोटो गैंग उसकी पहचान हो सकती है, लेकिन ये तो कैपिटल था, कैपिटल के अंदर आपका वजीर दाखिला कह रहा है कि हमने इसलिए हमारा ऑपरेशन नाकाम हुआ कि उनके पास असलहा था, ये कितना डूब मरने का मकाम है कि आपका जिसमें सारे डिप्लोमेट्स रहते हैं, एम्बेसडर्स रहते हैं, पार्लियामेंटेरियन रहते हैं, वैसे तो जिस टाइम ऑपरेशन हो रहा था आपका जो खैर से प्राइम मिनिस्टर है वो तो जाती उम्र में बैठे हुए थे। इसी धरने के बारे में हमारे इंटीरियर मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब ने ये बात की ना कि वो चाहते तो 3 घंटे में वो खत्म करा सकते थे, असला उनके पास कैसे खत्म कर सकते, इसका मतलब है कि वो अपनी नाअहली को और अपनी नाकामी को खुद जब से ये इस्तीफा नहीं देंगे, वो जब से ये मामला शुरू हुआ ना, मैं तब से प्रोग्राम के अंदर ये डिस्कशन कर रही हूं कि कुछ चंद अनासिर की जो ये बातें करते हैं, पाकिस्तान हमारा माशाल्लाह ऐसा मुल्क है जिसके पास दूसरी बड़ी कुव्वत है इंटेलिजेंस एजेंसीज की और 26 के करीब खुफिया एजेंसीज एहसन इकबाल साहब के अंदर काम करती है, अभी तक मालूम नहीं हो सका कि यहां पर उनके पास आंसू गैस कहां से आए, गन्स कहां से आई, ये सारी चीजें उनके पास कैसे। मैंने नवीद चौधरी साहब से सवाल जरूर करा इस बारे में कि इस्लामाबाद धरने को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया था कि फौज तलब कर ली जाए, अभी जो लाहौर के अंदर हालात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मशवरा देगी, लेकिन मुझे मंसूर से पहले एक बात करनी है। मंसूर, अब ये जो मुआहदे के अंदर बुनियादी तौर पर लिखा गया है कि जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाएगा बगैर किसी शर्त के, अब ये जो गिरफ्तार लोग हैं इनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट भी है, इसके साथ साथ कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जामात भी हैं,
पाकिस्तानी कानून को इंटरनेशनली हम क्या शो कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर किसी को भी इतना आसान है गिरफ्तार कर लेना, कोई भी दफा लगा देनी और उसके बाद किसी भी के कहने पर किसी भी अंदाज से उसको रिहा कर देना, ये कानून की इंटरनेशनली इमेज शो कर रहे हैं। छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था जनूबी पंजाब के अंदर, और इसके साथ साथ उजैर बलोच जो आपने कराची से पकड़ा था जिसके इंटरनेशनल लिंक्स भी निकले थे, इन दोनों के साथ मुजाकरत किए जाके अब क्योंकि जो प्रेसिडेंट सेट हो गया है, आप ना इंसाफी तो नहीं कर सकते इनके साथ, क्योंकि कानून इन्होंने भी तोड़े हैं, कत्ल गारत गिरी इन्होंने भी की है और नुकसान तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने भी पहुंचाए हैं, तो इनके साथ भी मुजाकरत होने चाहिए। वो तमाम अफराद चाहे वो क्वेटा के बम धमाकों के साथ मुलविस हो या पेशावर के बम धमाकों के साथ मुलविस हो, सबका राइट बनता है, सबको ये राइट मिलना चाहिए कि उनके साथ मुजाकरत किए जाएं और उनके साथ एक कागज जो है वो साइन किया जाए, और वो कागज साइन करने के बाद अगर वो आप उनसे माफी भी मांगे और आप उनसे ये कहें कि जनाब हमारी वजह से जो आपका नुकसान हुआ है, आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो भी हम पूरा करेंगे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का स्टेटस तो अब सिर्फ यही है इस वक्त, वो यही काम कर सकती है, वो और कुछ नहीं कर सकती, वो कानून की हुक्मरानी के ऊपर तो काम कर नहीं सकती, तो मेहरबानी फरमा के जितने कातिल चोर डाकू आप लोगों ने जेलों में बंद किए हुए सबके साथ सबको बाहर निकालें और सबके साथ मुजाकरत करना शुरू करें, क्योंकि आज 2017 के बाद यही पाकिस्तान का कानून है। मंसूर, बिल्कुल जो सवाल मैंने आपसे किया उसका जवाब भी बिल्कुल यही बनता था कि इस मुआहदे के अंदर सारी शर्तों को मिनोअन तस्लीम कर लेना, ये मैसेज क्या हुकूमत दे रही है? फिर हुकूमत के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं यकीनन वो इस जानिब जा रहे हैं कि शायद ये धरना ऑर्गेनाइज था, यहां पर इनको इकट्ठा होने की जमा होने की इतनी स्पेस दी गई। आरिफ चौधरी साहब, अब ये तहकीकात मजीद खुलकर सामने आने की बातें की जा रही है, इसके अंदर मजीद इजाफा करने की बातें की जा रही हैं, जुडिशियल कमीशन के बारे में बातें की जा रही है कि इस मामले के ऊपर जुडिशियल कमीशन बननी चाहिए, आजाद इंक्वायरी होनी चाहिए कि यहां पर ये लोग इकट्ठे कैसे हुए, इंटेलिजेंस एजेंसियों का क्या काम रहा, जुडिशियल कमीशन बनने में मजीद कितना हुकूमत वक्त लेगी, क्या इसको फौरी तौर पर नहीं बन जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो सब कुछ हुआ है इसमें स्टेट ने जिस तरह सरेंडर किया है उससे ज्यादा बदतरीन मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती, और जिस तरह आपने इशारा किया, मंसूर साहब ने भी बड़े तंजिया अंदाज में वो बात की कि पाकिस्तान में अब ये हो गया है सिलसिला कि जो जुर्म करने वाला है उसके सामने आप इतने बेबस हैं कि आप अगर वो ताकतवर है तो फिर आप उसके सामने हथियार डाल दें, और यही कुछ काम ऊपर से शुरू हुआ है, और जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं वो भी इनफैक्ट यही चाह रहे हैं, और हमारी भी उनसे गुजारिश ये थी कि आप पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले आपका जो फाइनल आर्बिटर है अदालत उसे आप डिस्प्यूट कर रहे हैं और उसे आप इस तरह की गुफ्तगू उसके बारे में कर रहे हैं जिसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जुराइम पेशा तमाम ग्रोह बल्कि हर वो बड़ा आदमी जो ताकतवर है वो ताकत से जिसकी लाठी उसकी भैंस अपने हाथ में कानून लेगा और जो वो चाहेगा अपनी शर्तें मनवाएगा और स्टेट उसके सामने बेबस हो जाएगी। आप इस सारे अमल को मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से, और सुप्रीम कोर्ट ने बजा तौर पे कहा है और कमीशन मुकर्रर होना चाहिए और उसको उसकी रिपोर्ट पर राज में नहीं रहनी चाहिए। अब तक जो कुछ हुआ है हर चीज राज में रखने से हुआ है कि कोई लोगों की जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की जो उनकी रिक्वायरमेंट है और जो जिसको आईन ने उन्हें मुहैया किया है उनका हक दिया है उस हक को भी आप उनसे छीनते हैं कि उन्हें अगर कोई कमीशन बनता है तो उसकी रिपोर्ट मंजरे आम पर नहीं आती। अगर अब तक पाकिस्तान में बनने वाले कमीशन जो थे उनकी रिपोर्टें मंजरे आम पर आती और उसके वजह से जो सामने आते लोग जिम्मेदार उन सारे लोगों को कैफरे किरदार का लफ्ज तो बहुत बड़ा है, कम अज कम कुछ सजा ही दी जाती। चौधरी साहब, अब ये भी तो अलमिया जन्म लेना शुरू हो चुका है ना कि इस रिपोर्ट को मजीद मंजरे आम पर आने में 30 दिन लगेंगे, और ये रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ साहब को पेश की गई थी, अब पता नहीं ये रिपोर्ट अपनी एक्चुअल सूरत में रहती है या नहीं, फिर इसके अंदर तब्दीलियां की जाती है। नवीद चौधरी साहब, इस्लामाबाद धरने को लेकर आपने मशवरा दिया, हुकूमत ने मान भी लिया, फौज को तलब कर लिया गया, अब ये जो लाहौर के अंदर सिचुएशन है, तीन धड़े हो गए हैं, खुलकर सामने आ गए हैं, अब लाहौर वाली सूरत हाल भी लाजमी बात है कशीदगी अख्तियार करेगी अगर मुतालिबात ना माने गए तो, क्या मशवरा इस बार आप देंगे, क्या लाहौर के अंदर भी कोई ऐसी सूरत हाल देखने को अगर मिली तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यही कहेंगे कि यहाँ पर भी फौज बुला ले, रेंजर्स को बुला लें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मशवरा नहीं दिया था उनको कि फौज बुलाई जाए, मशवरा लीडर ऑफ द अपोजिशन ने दिया था इस बुनियाद पे कि अगर आपसे संभल नहीं पा रहा और आपसे ये 22 दिन हो गए हैं, आप नेगोशिएशंस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अदलिया ने कोई नोटिस नहीं लिया था जिस वक्त ये बात कही गई थी,
تو بہتر ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے کمزور پڑ گئے ہیں تو فوج کو بلا کے ان سے کروا لیں. یہی بات ہم نے اس وقت کہی تھی. اس کے بعد جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا, دوسرے نے کہا, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اب یہاں کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا ایک پری پلان پروگرام ہے جو کہ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. خود رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کنفیس کیا ٹی وی پہ آ کے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ جی دیکھیں ہم سے جو ان کی بات چیت ہوئی تھی وہ تو یہ ہوئی تھی کہ وہ جائیں گے اور ہم بس اس کے بعد واپس آ جائیں گے اور شو کریں گے اور وہاں جا کے وہ دکھائیں گے اور ہم نے ان کا استعفیٰ دے دلوا دینا ہے اور استعفیٰ دے کے واپس آ جائیں گے ختم ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے خود کنونشن سینٹر میں یہ بات کہی جی اور یہ بات اس وقت کہی گئی میاں صاحب ان کو سزا دیں, تو نظر آ گیا کہ یہ ایک پلان کا ایک حصہ تھا. اور جس طرح کیپٹن صفدر صاحب جس طریقے سے بول رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو ان سب کو بلانا چاہیے اور بلا کے ان سے پوچھنا چاہیے یہ جو اصل ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, جس میں رانا ثناء اللہ ہیں, جس میں کیپٹن صفدر ہیں, جس میں میاں شہباز شریف ہیں, جن تینوں نے انسٹیگیٹ کیا اور جن تینوں نے ایک پورا پروگرام بنایا اور دکھایا اور یہ دیکھا گیا کہ اس طریقے سے کیا جائے, تب جا کے یہ چیزیں پتہ چلے گی. اب جہاں تک ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ جی اب فلاں کرائم کو یہ کریں گے وہ کریں گے, دیکھیں جس وقت یہ اگریمنٹ ہوا اس وقت سب لوگوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا کہ اچھی بات ہے یار سیٹل ڈاؤن ہو گیا. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ایشو ایک ایسا سینسیٹیو ایشو تھا جس ایشو کے ساتھ کسی لبیک کا تعلق یا کسی ایک کا نہیں, یہ پوری قوم اس میں ناموس رسالت کے لیے. اور آج کیونکہ یوم عید میلاد النبی ہے, میں ان کو وہ بھی مبارکباد آپ کے ضرور دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین و سامعین کو کہ یہ ایک ایسا, اس کے لیے تو ہر بندہ آپ ہو میں ہو سب ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے. اس لیے اس ایشو کو کسی اور چیزوں کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے. جانیں قربان کرنے کی بات تو وفاقی حکومت نے بھی کی ہے, لیکن بات یہ کہ جب وزراء کی قربانی کی بات آتی ہے تو پھر بڑے مسائل اٹھتے ہیں. منصور, ابھی جب نوید چودھری صاحب بات کر رہے تھے تو آپ مسکرا بھی رہے تھے, خاص کر اب بیک ڈور جو چیزیں ہیں ہم سب کو معلوم ہے اس معاملے کے اوپر. شروع سے ہی ہم بات کر رہے ہیں, کیپٹن صفدر صاحب کا بھی بڑا اہم رول ہے سارے معاملے کے اندر. یہ جو رپورٹ نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہے راجہ ظفر الحق صاحب کی, اس رپورٹ کو کتنا پہلے سامنے آ جانا چاہیے تھا؟ اب یہ رپورٹ اگر سامنے آتی بھی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے اندر رد و بدل نہیں ہوا ہوگا؟ ایکچوئل صورتحال میں یہ رپورٹ ہوگی ان کے پاس موجود؟ اب دیکھیے, جہاں تک رپورٹ کا تعلق ہے نا, اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کوئی ریزلٹ نہیں آپ کو نکال کے دے گی. کیونکہ جو یہ اس طرح کی رپورٹیں ہم نے بہت دیکھی ہیں پہلے بھی, پاکستان کی تاریخ 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے, 70,000 رپورٹیں ایسی ہوں گی جس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا. دوسری بات, میں جس بات کے اوپر ہنس رہا تھا وہ چودھری صاحب کی بات کے اوپر, انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ سب کو ڈرامہ ہو رہا ہے اور انہوں نے جا کے مذاکرات کیے اور سب نے خوشی کا اظہار کیا. معذرت کے ساتھ 50 سال ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. آج ذرا پیپلز پارٹی کا یہ حال دیکھیے کہ وہ اس کے اوپر یہ فرما رہے ہیں کہ جناب جو کچھ بھی ہوا وہ بڑا اچھا ہو گیا, بڑا سب نے خوشی کا اظہار کیا. یہ خوشی کا اظہار والی بات ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ 2000 لوگوں نے ڈنڈے اور ہاتھ میں پتھر پکڑ کے جو ہے وہ حکومت پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی اس میں قصوروار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب مذاکرات کیے تھے اس دھرنے کو, سر میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, آپ نے طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو ہے مذاکرات کیے تھے جب دھرنا ہوا تھا, آپ بنیاد آپ لوگوں نے ڈالی تھی مذاکرات کرنے کی. اگر اس دن آپ مذاکرات نہ کرتے, وہ دھرنا نہ ہونے دیتے, آج یہاں پہ بھی مذاکرات نہ ہوتے. دوسری بات یہ, آپ لوگوں نے اے پی سی میں جا کے جو مولانا فضل الرحمان کی اے پی سی تھی 2013 کے اندر, طالبان سے گفتگو کرنے کے حوالے سے ڈکلریشن کے اوپر آپ لوگوں نے سائن کیے تھے. یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں تھی جو محترمہ بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی. آج مجھے پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بات کہتے ہوئے 50 سال پورے ہونے کے بعد مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ کو نیچے بھی جھکنا پڑا, قدم اپنے پیچھے کرنے پڑے. پیپلز پارٹی بلاول ہاؤس کے اندر بیٹھی رہی, آپ لوگوں نے آگے بڑھ کے جا کے گورنمنٹ کو یہ نہیں کہا کہ آپ جائیے, پارلیمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہے, گو اینڈ ٹیک ایکشن. بالکل بھی نیچے نہیں ہونا چاہیے. اب مجھے بولنے کا موقع نہیں, بہت باتیں ہو گئی. چودھری صاحب آپ اس کا جواب دیں. منصور, میری بات سنیں, پیپلز پارٹی رابطہ نہیں کرنا چاہتا. چودھری صاحب بات سنیں, اس طرح نہ پروگرام کو چلائیں. جب ایک بری بات وہ کر دی ہے تو مجھے جواب دینے دیں, اسے کٹ کر دیں. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے یہ جتنی گفتگو کر رہے ہیں اس میں ان کو انفارمیشن ہے ہی نہیں ہے. اگر ان کو انفارمیشن یہ ہو کہ یہ جو چیز انہوں نے کہی کہ یہ جا کے کہتے, جب ہم نے پہلے دن کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو لے کے آئیں,
क्या वो आपको याद है बात, वो पहले दिन हमने कहा था ये यहाँ धरने में है, इसको पार्लियामेंट के अंदर लाके इसको सॉल्व करें और इस प्रोग्राम को लेके आए, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं सुना था क्योंकि गवर्नमेंट का एक अपना प्लान था। और मैंने ये नहीं कहा कि हमें खुशियां मनाई, मैंने कहा पूरे सब के सब लीडर उस वक्त कौम ये कह रही थी कि फौज ने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें आप भी शामिल थे, जिसमें आपके तजिए आपने एक एंगल निकाल लिया, लेकिन आपने उनकी बुनियादी बात ये नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मुजाकरात वाला किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफा नहीं अदा किया। आज भी नहीं, हमारा क्या इसमें रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, हम तो नहीं कर सकते ना। ये गवर्नमेंट का अगर हमें दावत देती और हमें कहती है मुजाकरात करें तो उसके अंदर करें ना। उठा रहे हुकूमत का, अब हम आपको मेरी बात सुन रहे, अब मेरी बात मैंने काटे बाद में बोलिएगा, आपकी बात समझ नहीं आनी। मुजाकरात देखे, अब इन्होंने कहा तारुक गाजी से मुजाकरात करके बुनियाद रख दी। अच्छा। हाँ, हमने मुजाकरात उस वक्त किए क्योंकि हमें ताहिर कादरी अजीज नहीं था, वो छोटे छोटे बच्चे जो उस वक्त पूरी कौम ने देखा कि उन बच्चों को जिस तरीके से मिसयूज किया जा रहा था उसको, और जो पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त सपोर्ट दी थी उनको वहां तक पहुंचाने में, लेकिन हमने उसको एमिकेबली हल किया। हमने कोई वहां एग्रीमेंट ये नहीं किया था कि हम आपके नुकसान के भी उठाएंगे और हम चीजें देखेंगे। ये जो एग्रीमेंट किया गया इसके अंदर तो नजर आ रहा है कि बैड गवर्नेंस है, इसके अंदर नजर आ रहा है कि जो जो चीजें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको सराहा नहीं है। और ये अभी कहा है एपीसी में तालिबान के साथ, हमने तो कभी आज तक किसी एबीसी में तालिबान के साथ बात करने की बात नहीं की। आप लोग करेक्ट करें, हमने कभी उठा के देखिए, भाई कभी उठा के देख लें, अमीन फहीम साहब सेक्रेटरी है उसके अंदर, इस्लामाबाद के अंदर किसी जगह आप करेक्ट करें अपने आपको, किसी जगह ये डॉक्यूमेंट मैं सारी डॉक्यूमेंट लाके दिखा दूंगा, किसी तरह आज तक तालिबान के साथ भी कोशिश की बात हमने नहीं की, अगर हमने की हो तो हम हमें कहे, इसलिए मंसूर के साथ डिबेट की बात की। मंसूर ये कह रहे हैं कि आप मुझे अपने प्रोग्राम में किसी दिन बुला लें और वहां पर इसके ऊपर मुकम्मल डिबेट कर लें, आप इनको लाजमी बुलाइएगा और इस मामले के ऊपर डिबेट कीजिएगा। जरताज आप एग्री करती हैं इस बात से, मंसूर ने एक पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी वाला किरदार अदा नहीं किया, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, क्या मुल्क की सियासी जमातों का काम सिर्फ इतना होता है कि वो सियासी स्टेटमेंट्स दे दें? अगर मुल्क सियासी बहरान में ही था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मैं बात करती हूँ, उनको भी किरदार अदा करना चाहिए था, ऑपोजिशन को मिलकर यह पेशकश करनी चाहिए थी कि हम मुजाकरात करवाने के लिए तैयार हैं, सालिस बनने के लिए तैयार हैं। सिदरा सबसे पहली बात तो ये कि अनफॉर्चुनेटली कह रहे, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ और पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन और स्टेटस को की जमातें जो है, मुझे मंसूर की बात से एग्री इसलिए होना पड़ेगा कि बेसिकली अब ये स्टेटस को की जो पार्टीज हैं ये अपने ओरिजिनल एजेंडा से, अपने वर्कर से और अपना जो उनका एक कोई नजरिया था उससे हट चुकी है। इस वक्त किसी को अपने इंटीरियर सिंध बचाने की बात हो रही है, किसी को पंजाब बचाने की बात हो रही है, मुल्क के लिए फेडरेशन की अलामत, मुल्क की अलामत, असल ये फ्रेंडली हुकूमत और अपोजिशन कर करके इन्होंने इस नहज पे ले आए हैं कि आज ये बात भी है। सॉरी चौधरी साहब, लेकिन ये आपको माननी पड़ेगी, एपीसी में आप लोगों ने अमीन फहीम साहब ने मायदा किया था तालिबान की हुकूमत को, जब नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी, बिल्कुल वो बात कोट की, दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था, तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान में भी एक्सेप्ट किया गया था, लिहाजा इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। तालिबान की हुकूमत की बात और नेगोशिएशन जो है, फिकरा फर्क है ना चौधरी साहब, सिर्फ एक बात, कहां तालिबान की हुकूमत, कहां से नेगोशिएशन, चौधरी साहब दोनों में फर्क आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये बात बता दूं, दूसरी बात आपको ये बात बता दो, मौलाना फजल रहमान के जरिए आपकी सारी नेगोशिएशन होती है। मौलाना फजल रहमान में चैलेंज करते, मेरा खुद ताल्लुक वजीरिस्तान से है, एफआर बनो में और बनो में अकरम दुरानी के हलके में उन्होंने पीटीआई के ऊपर पतले हुए लगाए हुए हैं कि हाँ, इनको वोट देना और इनको इलेक्शन में जितवाना हराम है। ये लोग बिलावल के चचा हैं, वो कहते हैं ये मेरे चचा हैं, लिहाजा इन बातों से निकल आए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी फेलियर का शिकार हो रही है, इस मसले को हैंडल नहीं किया गया, इन द एंड फौज को बुलाया गया, सिचुएशन हाथ से एपीसी आप बुला रहे थे तालिबान के लिए, बातें हमें कर रही है, सुना आपका तो उनके साथ नेगोशिएशन करें, उनके साथ नेगोशिएशन करें, उनको कुछ अटैक ना करें, आप ही कह रहे थे इमरान खान के साथ ऊपर का, जब हमने तालिबान खान नाम रखा तो किस लिए रखा, इमरान खान का नाम तालिबान खान किस लिए रखा गया, सबको पता है इमरान खान का नाम तालिबान खान के लिए था। ये सिर्फ जरदारी नहीं गए, बिलावल भुट्टो का आप जितना मर्जी चले मैं इस पे लीडर नहीं है, ये बात नहीं हो सकती। चले ठीक है, फेयर इनफ, आपसे ना मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना मेरे किसी पार्टी के कारकुन की जरूरत है। अच्छा आपकी नजर में भागे हैं ना, डिस्कशन हो गई है, ब्रेक की जानिब जाना है लाजमी, लेकिन
जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे 2018 के इलेक्शन के हवाले से। अभी मुल्क के अंदर हल्का बंदियों का शोर है, मर्दमशुमारी वाले मामला अपनी जगह है, निगरान सेटअप की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि निगरान वजीर आजम के तौर पर मुशावरत की जा रही है, नाम ढूंढा जा रहा है, जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन साहब के साथ रबते किए गए हैं। लेकिन क्या हमारी सियासी जमातें सियासी तौर पर इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि या वक्त से पहले इंतखाबात हो पाए या मुकर्रर वक्त पर भी हो पाए, इलेक्शन अर्ली होंगे या फिर मुकर्रर वक्त पर होंगे या फिर डिले होंगे, इसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है। और अभी इसके बाद यह भी बातें की जा रही है कि सेनेट का इंतखाब अभी तक नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है, 24वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर नहीं हो पा रही। और मुस्लिम लीग नवाज यह गिला करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी तहफात थे उनको सामने लाने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ ताउन नहीं कर रही। अगर ये आईनी तरमीम वक्त पर नहीं हो पाती है तो इलेक्शन के ऊपर इसका कितना असर होगा? आरिफ चौधरी साहब से मैं ये सवाल करूंगी। आरिफ चौधरी साहब, अभी 11 तारीख को यानी कि 11 दिसंबर को सेशन होगा और 24वीं आईनी तरमीम के बारे में उसमें बात की जाएगी, अगर ये तरमीम मुकर्रर वक्त पर नहीं हो पाती है तो इलेक्शन के ऊपर किस तरह से रसंदाज होगी? मैं एक बात तो पहले छोटा सा कमेंट कर दूं, इस धरने की वजह से और जहां नुकसान हुए हैं, सबसे ज्यादा नुकसान मुझे ये नजर आता है कि हमारा सारा सिस्टम जो है वो अपनी तबाही की तरफ बहुत आगे बढ़ा है और उसमें जज साहब, एक जज का, मौजूद जज का अपनी फौज के बारे में कमेंट करना ये इंतहाई अफसोसनाक है। और मैं ये समझता हूं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अपने ही इदारे को, जो आपका मुहाफिज इदारा है, उसे इस हद तक आप कंडेम करें, जो अब दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। आरिफ चौधरी साहब, अगर आपने अब ये बात उठा ही दी है तो मैं भी अब इसके ऊपर एक सवाल आपसे कर लेती हूँ। ये बात करना कि फौज कौन होती है, सालसी का किरदार अदा करने वाली और फौज अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करे, फौज को वहां पर बुलाया गया था, अंडरस्टूड बात है, 245 के तहत सेक्शन 405 के तहत फौज को हंगामी सूरत हाल में वहां पर बुलाया गया, बुलाने के बाद इस किस्म के रिमार्क्स के इसकी संजीदगी का जज साहब को इल्म नहीं था? नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं कि जज साहब जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उन्होंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की कि उनकी अपनी आईनी हदूद क्या है, वो अपने तौर पे खुल के सियासत करते हैं और बड़ी दिलेरी से कर रहे हैं। अब मैं, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें ये ताकत कहां से मिली है। आर्टिकल 245 जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फौज को बुला लिया जाए सिविल आर्म फोर्सेज की मदद के लिए, तो उसके बाद आर्टिकल 199 जो है वो मसदूद हो जाता है, उसके पास ये इख्तियार नहीं होता हाई कोर्ट के पास कि वो उस मामले में कोई भी कमेंट करे या कोई ऑर्डर पास करे। अब ये 245 में उन्होंने बुलाया, उन्हें जो सूरत हाल का वहां हल नजर आया फौज को वो उन्होंने किया, उन्हें हल ये नजर आया कि इस तरह हद तक मामला इन्होंने खराब कर दिया है सिविल गवर्नमेंट ने कि अब इसके बाद फौज अगर यहां गोली चलाती है तो उसके नतीजे में लाशें गिरती हैं और इतनी बड़ी बदअमनी होती है और फौज को इतना बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर होगा ये कि इसको कभी आप वापस नहीं दे सकेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। आप अंदाजा करें अब जज साहब के कॉमेंट्स कहां तक चले गए, उन्होंने सारी गुफ्तगू करने के बाद जिसका आपने हवाला दिया है आखिर में जो दो कमेंट जो मुझे आज तक हजम नहीं हो रहे, हाँ, उन्होंने कहा कि अब मेरी जिंदगी को खतरा है ये सारी बातें करने के बाद, और साथ ही कहा कि अब मेरा नाम भी जो है वो लापता अफराद की फहरिस्त में आएगा। तो गोया अदालत में बैठकर उन्होंने डेकरी पास कर दी कि यहां हमारी फोर्सेज जो है अगर कोई उनसे इख्तलाफ राय रखता है तो वो गेस्टापो टाइप एक्शन लेती हैं और वो बंदा गायब हो जाता है और उसकी जिंदगी को खतरा होता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये बात इंतहाई परेशान कुन और तकलीफ देह है। और अगर इस सतह पे जिस तरह नवाज शरीफ ने शुरू किया सिलसिला अदलिया के बारे में, अगर अदलिया फौज के बारे में शुरू कर दे और ये चीजें अननोटिस चली जाए तो इसके बाद आप समझे कि इट विल बी ए फ्री फॉर ऑल सोसाइटी जिसमें कोई भी किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, जो जो चाहे करता चला जाए, वो अपनी मनमानी करे। और इसके बाद मैंने बहुत अरसा से ये कहना शुरू किया है कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात है, अगरचे हमारी सबकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त मुकर्रा पर हो, लेकिन मुझे कम अज कम इंतखाबात वक्त मुकर्रा पर होते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी दो वजूह है। एक वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो कुछ इस वक्त हुक्मरान पार्टी कर रही है नवाज शरीफ के कहने पर,
वो अमल ऐसा है कि जिसके नतीजे में उन्हें सूट नहीं करता नवाज शरीफ साहब को स्मूथ सेलिंग, क्योंकि अगर सीधे सीधे आप इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे रहता है तो नवाज शरीफ को इसमें से कुछ नहीं मिलता, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, नवाज शरीफ साहब को कोई भी और सूरत अपने प्राइम मिनिस्टर होने के अलावा काबिले कबूल नहीं है। लिहाजा वो जो कुछ भी उनसे हो सका, इवन यहां तक मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ऐसा वक्त भी आएगा जब वो अदालत को फैसला नहीं सुनाने देंगे, जब उन्हें पता चलेगा, क्योंकि फैसले का तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा। अच्छा। वो हमला भी कर सकते हैं। एक वो बात ऐसी है कि जो मुझे हर वक्त खाई जा रही है और मैं समझता हूं कि इस इन हालात में ये प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ किस तरह अकाउंटेबिलिटी का होगा, और दूसरी बात ये जो आप देख रहे हैं सेंसेस का रिजल्ट, सेंसेस को आप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि ये सेंसेस का रिजल्ट ना मानने की वजह से 1971 का आदमी हमें देखना पड़ा था। अभी भी आपने जब सेंसेस करवा लिए तो उसके बाद उसे ना आपने पब्लिश किया है ना उसके मुताबिक आपने हल्का बदियां की है जो कि मैंडेटोरी थी। ठीक है चौधरी साहब तफसील से आपका पॉइंट आ गया। मंसूर, सवाल आपसे ये करना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन के हवाले से ये मौकफ है कि ये मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए और निगरान की हुकूमत की भी हामी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन इस बात पर अग्री कर लेते हैं कि इलेक्शन पिछली मर्दमशुमारी के ऊपर अगर हो जाए तो वो बात काबिल कबूल होगी। आज एतजाज अहसन साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि एक की बजाय 5% ब्लॉक्स का भी ऑडिट करा लिया जाए तो इंतखाबात में ताखीर से बच सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों ये सोच रही है कि वक्त पर इलेक्शन हो जाएंगे और पिछली मर्दमशुमारी क्यों काबिले कबूल है इनके लिए? देखिए वो काबिले कबूल इसलिए है क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग इनका जो वोट बैंक है, जहां तक सिंध इंटीरियर सिंध का ताल्लुक है, उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा फर्क जो पड़ रहा है वो कराची के ऊपर पड़ रहा है और उसके ऊपर एमक्यूएम जो है उसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। दूसरी बात ये जो कौमी असेंबली में इस सिलसिले में जब बिल भी पास हुआ था तो एमक्यूएम के साथ डील का नतीजा ये था कि 1% ब्लॉक्स के बजाय 5% ब्लॉक्स की जो है वो मर्दमशुमारी दोबारा करवाई जाएगी। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सिक्योर पोजीशन के अंदर है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात ये जो सीट्स की चेंजिंग आ रही है, जो 9 सीटों की तब्दीली आ रही है, साउथ पंजाब के अंदर जो सीटें हैं वो कुछ कम होती हैं, उसके कम होने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दरअसल में उससे एडवांटेज हासिल हो रहा है। वो नुकसान में नहीं जा रहे बल्कि एडवांटेज में जा रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे फॉर्मूले के अंदर बड़ी सिक्योर अपने आप को महसूस कर रही है। इसीलिए जरदारी साहब को बार बार फोन किए जाते हैं और वो जरदारी साहब फोन भी नहीं उठा रहे। होगा कुछ नहीं, जरदारी साहब कोई ना कोई डील कर लेंगे, क्योंकि डील ये हो नहीं सकता वो ना करें, डील के साथ ही वो आगे चलते हैं, तो वो सिर्फ एक बेहतर डील हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दो बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई डील चल रही हो जिसके ऊपर एग्री नहीं हो पा रहे अभी तक। बात कंप्लीट कर लूं जी, मैं सिर्फ नवीद चौधरी साहब की एक बात कंप्लीट कर लूं, जो उन्होंने बात की थी ना एपीसी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की 28 फरवरी 2013, ये स्मार्टफोन बड़ी खराब चीज है, ये एक मिनट में सारी खबरें निकाल के दे देती है। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 28 फरवरी 2013 को हुई थी, जिसके अंदर अमीन फहीम साहब, नवाज शरीफ साहब, चौधरी शुजात, महमूद खान अचकज़ई, डॉक्टर अब्दुल कदीर, इन सब ने शिरकत की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी सिग्नेटरी है, जाके गूगल के ऊपर लिखिएगा एपीसी JUFA और अमीन फहीम, आपके सामने टक करके खबर आ जाएगी, जाके देख लीजिएगा। आप लोगों ने डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किए, ये मेरे साथ बैठे हैं, मैंने इनको भी खबर अभी दिखाई है, मैंने इनको भी खबर दिखाई है, जाके चेक कर लीजिएगा। 28 फरवरी। दूसरी बात, कुछ देर पहले तरीके साहब की सर अपनी अपनी बारी में बात कीजिए ना, चौधरी साहब की बारी में बात कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपके साथ तरीके साहब की जो रहनुमा बैठी है, उन्होंने फरमाया कि जनाब हम तो बड़े पाक साफ है और हम स्टेटस को का हिस्सा नहीं है, माजरत के साथ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का जितना आप लोगों ने साथ दिया है, शायद वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी नहीं दिया, वो देते हुए फिर भी चार दफा सोचते हैं। आप लोगों ने तो खुलम खुला दफ्तर खोलने का भी ऑफर किया, आप लोगों ने अकोड़ा खटक के अंदर जो है वो जाके उनको ग्रांट्स भी आपने ऑफर की, आपने उनको हर मुमकिन कोशिश की उनको अकोमोडेट करने की, तो माजरत के साथ आप भी दूध के धुले नहीं हुए, आपने भी पाकिस्तानी अवाम को इस सिलसिले में ना उम्मीद करने के मायूस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। मंसूर, अब मेरी बारी प्लीज। अच्छा सरताज, आप इस बात का जवाब भी दीजिएगा। अभी मैंने एक बात आपसे ये भी करनी है कि ये जो अर्ली इलेक्शन वाला मामला है, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज दी कि 4 साल जब मुकम्मल हो तो उसके बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो पीटीआई ने इस मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद नहीं की थी। अब ये जो अर्ली इलेक्शन है, अगर ये बात मान ली जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इसके अंदर दीवार बन जाएंगे, वो खड़ी हो जाएंगे। खुशी शाह साहब का ये स्टेटमेंट है, आप मंसूर की बात का जवाब भी दे और इसका भी जवाब दे। सबसे पहली बात तो ये है कि अर्ली इलेक्शन की जो हमारी डिमांड है ना, वो ऑलरेडी ही कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं रह गया 5 सालों में। अच्छा, पहले मंसूर साहब की बातों का जवाब जी, मैं उसका देती हूँ। लिहाजा वो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये चूंकि इतनी नाअहल हुकूमत है, हर चीज में ये कहते थे हमें तो पता ही नहीं था, ना ऑपरेशन का इनको पता होता, ना इनको फॉरन पॉलिसी का पता होता,
ہوتا ہے نہ ملک کے حالات کے ان کو پتا ہوتا ہے, تو ویسے بھی ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. دوسری بات جو منصور صاحب نے بات کی ہے, کہ منصور سب سے پہلی بات ہوئی کہ سب سے زیادہ یہود و نصارہ کے تو فتوے ہمارے اوپر لگتے ہیں, تو ہم نے کیا ایکسٹریمسٹ اس کا ہم نے ساتھ دینا ہے, لہٰذا ہم تو خود پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ وقت آ گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہر شخص کو آج کل اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ جی ہم مسلمان, اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہم دے رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے اکوڑا خٹک کی بات کی ہے, ایک تو پہلی بات یہ بات رکھیے گا کہ جو جس طرح کے یہ جو رسول اللہ لبیک والے کا جو سیکٹ ہے فرقہ, چونکہ یہ زیادہ سپورٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو کرتا ہے اور یہ فرقہ پنجاب میں زیادہ پایا جاتا ہے, تو جو اکوڑا خٹک والا فرقہ ہے یا سیکٹ ہے وہ زیادہ جو ہے کے پی کے میں وہ پایا جاتا ہے, تو سب سے زیادہ مدرسے کے اسٹوڈنٹ اور مدرسے انہیں کے ہیں. سیکنڈ بات یہ کہ وہ جو ہم لوگوں نے گرانٹ کی بات کی تھی, گرانٹ ہم ایسے نہیں دے رہے, گرانٹ ہم اسے دے رہے کہ اکوڑا خٹک کے اندر سیکنڈری اسکول ہے. پلیز منصور, سیکنڈری اسکول ہے, سائنس لیب ہے. سب سے زیادہ ہم نے کہا کہ ہم ان کو جتنے بھی ہیں ان کو ہم اس مین سٹریم میں لے کر آئیں گے, ویل ایجوکیٹ کریں گے. تیسری سدرا میں اس کی بات کرنا چاہتی ہوں, ساؤتھ پنجاب کی ہماری جو سیٹیں بڑھ رہی ہیں, ڈسٹرکٹ ڈی جی خان اور اس میں راجن پور کی اور لیا کی ایک ایک سیٹ بڑھنی ہے. ڈی جی خان کی 3 NA کی سیٹیں اور وہاں پہ 30 لاکھ کی آبادی میں بتا رہے ہیں. افسوس کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, اب اپوزیشن میں آپ ہیں لیکن آپ کا گراف ہائی ہونے کی بجائے کم ہوتا جا رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سب سے زیادہ اوریجنل اپوزیشن اور اوریجنل, اب اگر اپوزیشن کا بھی یہ گراف ہونا ہے کہ چونکہ ہم اصل اپوزیشن ہیں اور ہم لوگوں نے ہر مسئلے کو اجاگر کرنا ہے, تو پھر سیدھا وہی والی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں نا, اہل حکومت ہے چونکہ اس نے کوئی کام کرنا نہیں ہے, ساری ذمہ داری ہمارے کرنے دیں. آپ کے اپوزیشن لیڈر صاحب نہیں جاتے پارلیمنٹ. جی منصور, صرف ایک کوشچن زرتاج, صرف مجھے یہ بتا دیجئے, تحریک لبیک نے جو دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں, ملتان میں, لاہور میں, جو دیا ہوا ابھی بھی, صحیح تھا غلط تھا؟ منصور سب سے بڑی بات تو یہ کہ میرے اوپر تو سب سے پہلے خود فتویٰ لگ چکا ہے, چونکہ میں مولانا عبدالکریم کے مقابلے میں الیکشن لڑ چکی ہوں, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سیاست سے, میں نے 40,000 ووٹ لیا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں غلط ہوں, آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, آپ لوگ چاہیں گے ہمارے بچے مرے جا کے سڑکوں کے اوپر, کسی بھی آپ لوگ جو سیاسی جماعت ہیں جن کا کام ہے اس چیز کو جا کے ہینڈل کرنا, کسی بھی سیاسی جماعت ہینڈل ہوا ہے, ہمیں ہمارے پاس فتویٰ نہ لگ جائے, ہمیں کچھ نہ ہو جائے, آپ لوگ کب کا ہمت کریں گے؟ یہ دیکھیے آ کے 2,500-3,000 بندے کس طرح آپ لوگوں کو تگری کا ناش نچا کے یہاں سے چلے گئے, بچے ہمارے مرتے ہیں, پولیس والے ہمارے مرتے ہیں, آپ لوگ صرف بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر. آلریڈی میں کہہ چکی یہ بنانا ریپبلک ہے, نا اہل حکومت ہے, یہ پہلے ثابت کر چکے. ابھی تو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, ابھی تو اس کی بھی کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے, تو ابھی تو اس کے بارے میں حکومت ہی جواب دے سکتی ہے. البتہ میں یہ کہہ سکتی ہوں بالکل یہ سدرا یہ مس ہینڈل ہوا ہے, یہ واقعی ریلیجیس معاملہ بڑا نازک تھا. دیکھیے نا, صرف وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں, اپوزیشن جب آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے پینما کرپشن یا دیگر معاملات کے اوپر آپ لوگ کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے چیئرمین کے اوپر بھی, میں آپ کو اپنے چیئرمین کی سٹیٹمنٹ بتا سکتی ہوں کہ ہمارے چیئرمین کی ہمارے سٹیٹمنٹ آج یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے جو باہر کے آقا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ ایک شو کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایک ریلیجیس اس کے خلاف ہوں اور میں ایک لبرل نواز شریف ہوں اور میں ان کے خلاف لڑ رہا ہوں, اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کی ٹھیک ہے. تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتے, قرارداد کیوں نہیں وہاں پر جمع کراتے؟ کس چیز کے بارے میں؟ یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے, I'm sorry, جس پارلیمنٹ کے اندر خود وہ کہتے ہوں, نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو میں نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی وہ سیاسی تھی, وہ جھوٹ پر بڑے مزے کی بات ہے, جو میری ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں تھی وہ صحیح تقریر تھی. تو جو سپریم جو پارلیمنٹ کو خود نواز شریف صاحب کہہ رہے ہو کہ میری تقریر جھوٹی تھی, لہٰذا اس کو سچ نہ مانے, تو اس پارلیمنٹ میں جا کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ اچھا منصور, سیاسی جماعت کے لیکن اگر اس معاملے پہ بلا لیں تو پارلیمنٹ کی تنخواہیں بھی واپس کریں, اس پارلیمنٹ سے جو گاڑیاں لیے وہ بھی واپس کریں, وہ پیسے کیوں لیتے ہیں؟ چودھری صاحب خفا ہو رہے ہیں, مجھے ان کی جانب جانا ہے. یہ سیاسی جماعت کے لوگ نہیں جواب دیتے. آپ مجھے بتائیے اسلام آباد کے اندر جو دھرنا ہوا ٹھیک ہوا یا غلط ہوا, یہ سب نو میں بتائیے گا مجھے. جواب دیتے ہیں ہم, کون کہتا جواب نہیں دیتے؟ میں آپ سے بھی آپ سے جواب سوال کریں نا. کھیل رہی ہیں آپ؟ اچھا منصور, منصور بتائیے گا یس اور نو, آپ گھر کا اندر پروگرام کر لیں. میرا خیال میں نو ہے, نوید چودھری صاحب سے پوچھ لیں. آپ بتائیے جو دھرنا ہوا اسلام آباد کے اندر, فیض آباد انٹرچینج کے اندر, اب لاہور کے اندر بھی جو ہو رہا ہے, یہ ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ ہم نے پہلے دن کنڈیم کیا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, آج کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم نے تو کہا تھا یہ طریقہ کار غلط ہے, اور یہ آج نہیں آن ریکارڈ کہا تھا ہم نے,
ये तरीका कार नहीं होना चाहिए, ये तरीका, और हुकूमत इसको स्पॉन्सर कर रही है, कल भी बात की थी। लेकिन यही बात जो अभी मंसूर साहब ने 28 की, मैंने गूगल सारी खोल के सामने रख दी है, कोई इसमें कोटेशन नहीं है कि यहाँ अमीन फहीम ने ये बात कही है, मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये देख लें, ये गूगल खुला हुआ है। इसमें जो बातें डिस्कस हुई वो ये था कि तालिबान ने ऑफर की कि हम पीस टॉक करने को तैयार हैं, तालिबान ने, हमने कहा जी जो बात आप कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को ऑफर करें, और ये सामने लिखी है, इसलिए आप अपनी बात को करेक्ट करें। मैंने सामने रखा हुआ, मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। अच्छा चले नंबर टू, आप किसी प्रोग्राम रख लें ताकि ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए, ये मामला मंसूर प्रोग्राम आप रख लें। अच्छा दूसरा आपको बुलाया, इसमें आप यहाँ देखिए, यहाँ बात डिस्कशन हो रही थी कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है, पीपल्स पार्टी वो चाह रही है, 50 साल में पीपल्स पार्टी में ये खोया हुआ है। बात ये है कि 2013 के इलेक्शन में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को हालात मिले और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को हाथ पांव बांध के कहा जी इलेक्शन लड़े कि आप लड़ेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। अच्छा। आप लड़ेंगे आपको जलसा नहीं करने दिया जाएगा, आपका कोई लीडर यहाँ जलसा नहीं कर सकता, और उससे पहले 2013 की बात करें तो वो उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इलेक्शन फेयर होंगे, इसलिए आपने कहा था ये लहर। लेकिन 2018 का इलेक्शन हम बिल्कुल तैयार हैं, आपको नजर आ जाएगा कि कौन से पंजाब में कहां से हमें 1400 वोट मिलती है, 1500 मिलते हैं, जब नेशनल इलेक्शन होता है दैट इज अ डिफरेंट इलेक्शन, वो बड़ा इलेक्शन नहीं होता। चौधरी साहब स्पॉन्सर हो, चौधरी साहब 2013 के इलेक्शन के बारे में आपने ये बात की है कि हाथ पांव बांध कर और ये कहा गया कि गोली मार देंगे अगर इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस इलेक्शन की कहानियां भी अलग है, इस इलेक्शन के बाद माते भी कुछ और अलग में आई थी, मंसूर भी बेहतर तौर पर जानते हैं और आरिफ चौधरी साहब भी बेहतर तौर पर। आरिफ चौधरी साहब पार्लियामानी जमहूरियत वक्त बहुत देखे, मुझे आप यहाँ आपने तमाशा के तौर पे बुलाया, मैं अफसोस करूंगा अगर आपने नहीं, मैं देखे माजद के साथ कोई मौकफ अगर आप करेंगे तो आप वो भी कंप्लीट मौकफ करने नहीं, पार्टी में बर्दाश्त बहुत है, गुस्सा ना करें, बात सुने आराम से, मुझे मौका तो दे नहीं रहे, पहले आपने हॉप में सारा शिफ्ट उधर कर दिया, खड़े मैं तो वैसे बैठा हूँ। चौधरी साहब मैं आरिफ चौधरी साहब से एक सवाल करके आप कर लीजिएगा, पहले सवाल करना ठीक है, आरिफ चौधरी साहब से उनसे प्रोग्राम कर लीजिए, चले नवी चौधरी साहब मैं चला जाता हूँ, आप पहले तरीका नहीं है, आरिफ चौधरी साहब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मुझे क्यों बुलाया गया, जितना वक्त आप नाराज होने में लगा रहे उतने वक्त आप जवाब दे सकते हैं, इसलिए मैं नहीं, आरिफ चौधरी साहब क्या हो गया, चले जवाब, आरिफ चौधरी साहब अच्छा मैं बिलावल की बात कर रही हूँ, जो बातें आरिफ चौधरी साहब ने पी है मैं उस पर एक कमेंट देना चाहूंगा, हाँ जी कमेंट भी दीजिएगा, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। बिलावल ने आज बात की है कि तमाम कुवतों से कहता हूँ कि बस कर दे, जमहूरियत का साथ दे, जमहूरियत को चलने दे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या जमहूरियत के साथ चलने के लिए बाकी अपोजिशन जमातों से रब्ता करने के लिए तैयार है? अपोजिशन की बात ही कर रहे, वो तो बात उनकी कर रही है, जो कुवते अभी आपने जैसे वजीउद्दीन साहब का जस्टिस का नाम लिया, अच्छा किसी ने उनको अप्रोच नहीं किया, पहली बात तो यह है, अच्छा। एक अखबार ने स्टोरी लिखाई और साथ लिखा कि नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है, अच्छा अभी आरिफ चौधरी साहब ने कहा मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, और फौज की बात उसी हिसाब से की, और साथ जज की बात, अगर ये खुद बाहर के रहे हैं वहां प्रेसिडेंट, इनको चाहिए कि इसको मैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लेके सुप्रीम कोर्ट में जाए, अच्छा। ये इसको क्लेरिफाई किया जी, ये जज ने किया, इसके कंडक्ट में ये कंडक्ट इसका ठीक है गलत है, ताकि जुडिशियल कमीशन के हिसाब से उसका बने। लेकिन यहाँ हम टॉक शो में आगे बातें कर लेते हैं, अमली तौर पे हम कोई काम नहीं करते, ना अमली तौर पे हो रहा है, अमली तौर पे अगर चीजें होती है तो चीजें हैं। हम जमहूरियत के लिए कल भी हमने जब धरना हुआ था इमरान खान का, उस वक्त जमहूरियत का साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठे, आज नवाज शरीफ जो है वो जमहूरियत के लिए नहीं लड़े, वो जात के लिए लड़े, अच्छा वो समझते हैं कि मैं हूं तो जमहूरियत है, मैं नहीं हूं तो जमहूरियत नहीं है, तो इसलिए हम उसके उनके साथ कोई किसी किस्म की टॉक नहीं कर रहे। लेकिन जहां हमें नजर आया कि जमहूरियत को खतरा है कि और फोर्सेस की तरफ से, तो बिल्कुल हम उनका मुकाबला करेंगे। चौधरी साहब एक मिनट अब क्लोजिंग में रह गए, इजाजत है, मैं आरिफ चौधरी चले जाइए, इधर मर्जी जाए, इधर मर्जी जाए। आरिफ चौधरी साहब, पार्लियामानी जमहूरियत के हामिल मुल्कों में ऐसा होता है कि अर्ली इलेक्शन अगर मुल्क की हामियत के लिए, मुल्क के मफाद में अगर जाती है तो अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं। पाकिस्तान की अभी जो सिचुएशन है, अर्ली इलेक्शंस पाकिस्तान के लिए सूटेबल है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये मुतालिबा दुरुस्त है क्या? मैं समझता हूं फिर फौर इंतखाबात कराया जाए। मेरे फाजल दोस्त को गुस्से में ये बात जेन में नहीं आई कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात जल्दी नहीं होने चाहिए। अच्छा। मैंने तो आपको सूरत हाल बताई है कि मुझे इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं कि जिसमें इंतखाबात जो है वो अपने टाइम पे नहीं हो सकेंगे। दूसरी बात है पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज की,
मैं मंसूर साहब से इसलिए एग्री कर रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने अपने अपने मफादात की खातर अपनी अपनी मसलतों की खातर हमेशा ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर या चुप साधे रखी या फिर अपना उन्होंने एजेंडा जो था वो भी उसी उन्हीं के साथ शामिल कर लिया। इस वजह से पाकिस्तान इस सतह पे पहुंचा है। अब ये वक्त आना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को दे शुड कम अप एंड दे शुड कॉल स्पेड स्पेड के पाकिस्तान 50 साल हमने स्पेड को स्पेड कहा और हमें हमारे हमारे लीडर को फांसी दे दी गई आरडी भाई साहब के खिलाफ। अच्छा आप दोनों चौधरी बराबर चुप कर जाएं, जरा वो खातून जबान पर बैठी उनको भी टाइम दें। 50 साल हमने स्पेड को स्पेड कहा और हमने इस इशू को सबसे बात की और हमारे दो बंदों को मार दिया गया। फिर भी आप नहीं जी, हम कुछ नहीं करते। आपको आज जरदारी नजर आ रहा है, उस जरदारी को देखें जिस पर पाकिस्तान टूट रहा था, वो उस पर बैठा क्या कह रहा था, अच्छा ठीक उस पर क्या किया था वो भी आप सोचा करें, जरा इसमें भी कभी जायजा लिया करें। ठीक है चौधरी साहब, आप तो आज बहुत ही गुस्से में हैं। जरताज वक्त बहुत कम रह गया है, अर्ली इलेक्शंस अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कॉल करती है, मुतालिबा इसका करती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है उसके रास्ते में दीवार हायल हो जाएगी, उसको नहीं होने देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ऐसा करती है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मूव क्या होगी? देखिए मैं तो आपको पहले कह चुकी हूँ कि चूंकि इतनी नाअहल हुकूमत है, हर चीज में ये फेलियर का शिकार है, एक्सपोज हो रहे हैं आपके सामने। आप उसकी हॉस्पिटल के हालात देख ले कि हर रोज अंडर पासिस के नीचे रेल पटरियों के ऊपर फुटपाथों के ऊपर खवातीन बच्चों को जन्म दे रही होती है, इससे द वर्स्ट मिसालें नहीं मिलती है। पीपल्स पार्टी ने अगर इनको बचाना है तो मैं सिर्फ इनसे एक सवाल करती हूँ कि कराची में जो परसों जो है वो हादी और हमना जो एक लड़का लड़की जिन्होंने पसंद की शादी की थी, कराची के अंदर जब उनको कत्ल करके और उनको उसमें दबा दिया गया था कब्रिस्तान में बगैर जनाजों के, तो मुझे बताया कि वो वजीरिस्तान था, वो नोगो एरिया था या वो कराची था? अगर इनके पास पीपल्स पार्टी के पास इस बात का जवाब है, अगर उनके अपनी घर में चल रही है तो नवाज शरीफ का साथ देते हैं। आपका भी पॉइंट है। आपका बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद स्टूडियो में आप आए, आरिफ चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नवी चौधरी साहब आपके बहुत शुक्रिया, जरताज आपके बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्कशन की है अर्ली इलेक्शन या फिर बरवक्त इलेक्शन या फिर ताखीर वाले इलेक्शन, पाकिस्तान के हक में क्या जाता है, सियासी जमातों को यह सोचना चाहिए। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, सिद्रा मीर को इजाजत दीजिए।